नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बॉलीवुड बज में। जानते हैं आप कि हम जब ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खबरों से जो इन दिनों बज का कारण बनी होती हैं। दरअसल बॉलीवुड में नया नया प्यार जन्म ले रहा है। जी हाँ, कहते हैं प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जी हाँ, प्यार है ही इतना खूबसूरत कि जब आपको हो जाता है तब आप सारी बाधाओं को तोड़ देते हैं, बस आपको अपना प्यार ही दिखाई देता है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा रोमांटिक जोड़ी यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते को लेकर। हर कोई जानता है कि चुलबुली गर्ल आलिया और रोमांटिक हीरो रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अब तक इन दोनों ने अपने मुंह से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर जिस तरह से आलिया जो है अब रणबीर के साथ अपनी फोटोज को पोस्ट कर रही हैं, जो कैप्शन दे रही हैं, हर टाइम उनके साथ दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं फैंस भी समझ रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आलिया खुद ही फैंस तक ये बात पहुंचाना चाहती हैं कि भाई हाँ, मैं रणबीर से प्यार करती हूँ। क्या कुछ खास है कि इनके इन खबरों को लेकर ये दोनों लाइमलाइट बटोर रहे हैं, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जी हाँ, प्यार है ही इतना खूबसूरत कि जब भी किसे हो जाता है तो वो एकदम दीवाना सा हो जाता है। बॉलीवुड में एक ऐसे ही नया नया प्यार या फिर यूं कहें प्यार के पंछी देखे जा रहे हैं, जो इन दिनों सारी लाइमलाइट बटोरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं बॉलीवुड की चुलबुली गर्ल यानी कि आलिया भट्ट और लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले रणबीर कपूर को लेकर। आलिया और रणबीर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आलिया और रणबीर की बढ़ती नजदीकियां भी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड की सवरिया के लिए आलिया की दीवानगी अब बढ़ती जा रही है। आलिया आए दिन रणबीर के साथ अपनी तस्वीरों को भी शेयर कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आलिया को रणबीर बेहद पसंद है। दोनों फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रहे थे, जहां पर शूटिंग अब खत्म हो गई है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन पिक्चर्स को भी ये शेयर कर रही है, जहां पर हाल ही में आलिया ने पिक्चर को एक शेयर किया जहां पर उन्होंने लिखा द वन विद ऑल द जॉय। साथ ही साथ आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं जहां पर आलिया रणबीर और टीम के ही गोस्टार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अब तक इन दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ऐसे में आलिया कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू में अपना चुलबुलापन दिखा ही देती है, जिससे कहीं ना कहीं फैंस भी अब समझने लगे हैं कि भाई ये दोनों जो हैं अब प्यार के पंछी बन चुके हैं। अब ये समझना तो किसी के लिए मुश्किल है ही नहीं कि आलिया की लाइफ का जॉय कौन है और वो जॉय भरा कैप्शन उन्होंने किसके लिए लिखा। मतलब साफ है कि कुछ बोलो ना बोलो, मगर कुछ कैप्शंस ऐसे आलिया दे रही हैं जिससे प्यार का इजहार साफ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आलिया फिल्म कलम की शूटिंग कर रही थी, तो वहीं रणबीर कपूर फिल्म संजू को प्रमोट करने में बिजी थे। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग फिलहाल रुकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आलिया और रणबीर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए गए, वो भी संजय दत्त के घर पे जाते हुए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी की शादी हो या फिर किसी की रिसेप्शन हो या फिर कहीं पर गेट टुगेदर हो, आलिया और रणबीर जो है एक दूसरे के साथ अक्सर ही दिखाई दे रहे हैं।
सांवरिया के रंग पर पूरी तरह से रंग चुकी हैं आलिया भट्ट जी। हाँ, आलिया और रणबीर की लव स्टोरी, कहा जा रहा है कि रणबीर और आलिया की लव स्टोरी जो है बुल्गारिया में फुल स्पीड से चल रही है। बुल्गारिया से इनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें आलिया और रणबीर एक दूसरे के साथ दिखाई दी। तो वहीं इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें आलिया रणबीर बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे से ट्रीट करते दिखे। वायरल हो रहा था ये वीडियो जिसमें आलिया रणबीर के जेब पे फोन रखती दिखाई दी। पहले आलिया खुद ही रणबीर की जेब में फोन डालने की कोशिश करती है, फिर बाद में रणबीर उनसे फोन ले भी लेते हैं। आपको बता दें कि आलिया आजकल वही काम करती है जो रणबीर को पसंद होता है। जनाब कहीं ना कहीं ये जो प्यार का रंग है पूरी तरह से आलिया भट्ट पे अब चढ़ चुका है। जहां पर रणबीर के प्यार में वो फुटबॉल भी देखने लगी है। जी हाँ, फुटबॉल से दूर दूर तक आलिया का कोई नाता नहीं रहा, मगर रणबीर को फुटबॉल देखना काफी पसंद है। तो भाई अब आलिया भी उनके प्यार के चक्कर में फुटबॉल देख रही हैं, जहां पर आलिया और रणबीर दोनों को ही मैच देखते हुए भी देखा गया था। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे एक चीज तो साफ है कि भले ही ये प्यार के पंछी अपने प्यार को छुपा रहे हो, मगर कहते हैं कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि आप कितना भी छुपा लें मगर वो सबके सामने आ ही जाता है। बस फैंस तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब आलिया और रणबीर जो है अपने रिश्ते को खुल के सबके सामने स्वीकारते हैं। हमने आपको बॉलीवुड बस दिखाया जिसका इंतजार आप बेसब्री से करते हैं। आपने जाना कि रणबीर और आलिया इन दिनों जहां पर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रहे थे, हालांकि वो शूटिंग अब खत्म हो चुकी है, तो वहीं आलिया ने फौरन ही रणबीर के साथ फोटो को शेयर किया जिसमें उन्होंने कैप्शन भी दिया विद माई जॉय। जॉय कौन, वहां पर तो रणबीर कपूर ही थे। इसे लेकर तमाम तरह के फैंस तमाम चीजें भी कहने लगे। ऐसे में जहां पर रणबीर की फैमिली भी आलिया को लेकर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है, तो बस अब इंतजार है कि आखिरकार कब ये दो प्यार के पंछी अपने प्यार का इजहार करेंगे, सबके सामने आके कहेंगे कि हाँ वी आर डेटिंग ईच अदर। मगर अब तक ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से जब रणबीर कपूर अपनी फिल्म संजू के प्रमोशन कर रहे थे तब आलिया उनके साथ दिखी, ज्यादातर आलिया उनके साथ देखी जा रही है। बॉलीवुड में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी वेडिंग हो रही है, तो आलिया और रणबीर को एक साथ देखा जा रहा है। मानो जिस तरह से इन दोनों को एक साथ देखा जा रहा है, इन दोनों की बॉन्डिंग को देखा जा रहा है, तो वहीं ये कहना गलत नहीं है कि प्यार जो है वो इन दोनों के बीच जन्म ले चुका है। जी हाँ, यानी कि बॉलीवुड का एक और कपल जो है वो अब खिल के सामने आने वाला है। भाई फैंस तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोनों ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, और यही इंतजार हमें भी है, पर लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।
Thank you.